जनवरी 1950 यह तारीख हम भारतीयों के जीवन में उतनी ही जरूरी है जितनी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त को भले ही हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, लेकिन सही मायनों में 26 जनवरी 1950 को बतौर एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे सामने था हमारा आईन, हमारा अपना भारतीय संविधान। लेकिन आखिर यह संविधान है क्या? आइए जानते हैं हमारे संविधान के बारे में। हमारा संविधान महज एक किताब नहीं है, यह दस्तावेज है उन सभी सपनों का जो हर भारतीय ने मिलकर अपने देश के लिए देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान, बराबरी और कुछ मौलिक अधिकारों के साथ जी सके। भारत के संविधान ने दुनिया भर के राजनीतिज्ञों को आकर्षित किया। यह संविधान नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा सरकार हमारे देश को चलाती है। यह देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहक है और इसकी भावना युग की भावना है।